वृंदावन कोतवाली इलाके के गुरुकुल क्षेत्र में करीब 3 साल पहले युवक की मौत के मामले में मथुरा की सीजीएम कोर्ट द्वारा पुलिस को पुनः विवेचना के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति लेकर पीड़ित लगातार कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको बताते चले कि 10 जून 2016 को राजपुर के समीप गुरुकुल के खंडहरों में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। इस मामले में मृतक के चाचा नंद किशोर द्वारा वृंदावन कोतवाली में 2 नामजदों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पुलिस की जांच को चुनौती देते हुए मृतक के पिता रामवीर ने न्यायालय में रिट दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को पुनः विवेचना करने के आदेश दिए हैं। राजपुर निवासी रामवीर के अनुसार उनके पुत्र दीपक का लेनदेन को लेकर नामजदों से विवाद था। पिता का आरोप है कि लेनदेन को लेकर उनके पुत्र की हत्या की गई थी। इस संबंध में थाने पहुंचे पीड़ित रामवीर ने जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? आज ये क्या शिकायत लेकर आए हैं आप? हमारे लड़के का 10 जून 2016 में मर्डर हुआ था। कैसे हुई थी घटना, कहाँ हुई थी घटना? जो उसके मित्र थे विशाल और भोजराज, उसको घर से दिला के लेके आए और उन्होंने खंडर में मार के गला दबा मार के लटका दिया। और भी उसके उनके 3-4 मित्र और हैं। किस डेट की घटना है ये? 10 जून 2016। इस मामले में आपने मुकदमा दर्ज करवाया था? फिर क्या हुआ उसके बाद? उसमें अगर ज्यादा खाने थे उदय प्रताप सिंह ने एक हाल लगा दी, शायद बता दिया। फिर आपने क्या किया? हमने फिर कोर्ट गई। कोर्ट में हमने अपनी कागज तलब कर कागज दिखाई, उन्होंने दे दी उसको चेक करके, उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने उनकी जाँच नष्ट कर दोबारा जाँच के आदेश दिए। अब न्यायालय ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। अब थाने आए हैं आप? हाँ जी, थाने आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, अपराधी जेल जाए और हमको न्याय मिले। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।